का हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एनिमल किंगडम। जंतु जगत के ऊपर हम आज कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, कॉलर सेल्स का पाया जाना किसका विशिष्ट लक्षण है। तो देखिए पहली बात तो आपको यह मालूम होनी चाहिए कि जो कॉलर सेल्स है उसको हम कोइनोसाइट्स भी कहते हैं, कोइनोसाइट सेल्स भी कहते हैं, कोइनोसाइट सेल्स। और आपको मैं बता दूं कि पॉरीफर्स जो होते हैं, राइट, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट, कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि उनके अंदर दो जेनेटिक परतें पाई जाती है, राइट। तो जो दो जेनेटिक परतें हैं वो कौन सी है, एक तो है पिनेकोडर्म या आप उसको एक्टोडर्म भी कह सकते हो, और दूसरी जो होती है वो एंडोडर्म होती है या जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएनोडर्म, कोएनोडर्म, राइट। अब ये जो पिनेकोडर्म होती है इसके अंदर तो पिनेकोसाइट सेल्स होती है, और कोएनोडर्म के अंदर क्या होती है, कोएनोसाइट सेल्स होती है। और ये जो कोएनोसाइट सेल्स है वही क्या चीज है, कॉलर सेल्स है। तो पहले तो आप एक चीज दिमाग में क्लियर कर लो कि पॉरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, कॉलर सेल्स पाई जाती है। तो यही तो अपना प्रश्न था कि कॉलर सेल्स का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है, क्या ये एकॉर्न, एकॉर्न वॉर्म यानी कि एकॉर्न कृमियों की विशेषता है, क्या ये अर्थवर्म या केंचुए की विशेषता है, क्या ये राउंड वॉर्म गोल कृमियों की विशेषता है, या ये स्पॉन्जेस की विशेषता है। तो वैसे भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉरीफेरा का ही जो कॉमन नाम है वो क्या है, स्पॉन्जेस है। और मैंने आपको क्या बताया, कॉलर सेल्स किसकी विशेषता होती है, तो कॉलर सेल्स स्पॉन्जेस या पॉरीफर्स की विशेषता होती है। तो ध्यान रखना है कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है, स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफर्स, वो अपना क्या है, आंसर है। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन है, किसमें सभी जीव उभयलिंगी होते हैं, किस जगत के अंदर या यूं मैं कहूं कि किस फाइलम के मेंबर्स के अंदर सभी जीव कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो आपको यह बता दूं कि उभयलिंगी किस किस में होते हैं, क्या एनिलिडा के अंदर सभी जीव उभयलिंगी होते हैं, तो नहीं है। पॉरीफेरा के अंदर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के अंदर या मेराइन स्पॉन्जेस के अंदर। तो आप यदि 12th क्लास की एनसीईआरटी का यदि आप पहला चैप्टर भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पॉरीफर्स जो होते हैं यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो ये देखिए यहां पर अब कंफ्यूजन होता है कि सी या डी को ही ऑप्ट कर देते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और मैरीन स्पॉन्ज। तो सवाल फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का या समुद्री स्पॉन्जों का नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है जितने भी पॉरीफर्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ऑल पॉरीफर्स आर हर्मेफ्रोडाइट, सभी जो पॉरीफेरा जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है वो डी हो गया, दैट इज द पॉरीफेरा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से किन में कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें की अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। अब ये प्रश्न पूछा है कि किस किस में अरीय सममिति पाई जाती है, क्या सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, तो हाँ हमने सिलेंट्रेटा संघ पढ़ा है और आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो कि मैंने लिखवाया है, बोर्ड पे समझाया है कि सिलेंट्रेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति होती है। दूसरा इकाइनोडर्मेटा, क्या इकाइनोडर्मेटा में भी जो सिमेट्री है क्या वो अरीय होती है, तो हाँ एडल्ट्स के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। यदि हम एक एग्जांपल लें इकाइनोडर्मेटा का, स्टारफिश का एग्जांपल लें, तो स्टारफिश के अंदर अरीय सममिति पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन था क्या उपरोक्त दोनों, यस, सिलेंट्रेटा फाइलम हो या इकाइनोडर्मेटा फाइलम हो, दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, अरीय सममिति। और मोलस्का, तो नहीं, मोलस्का के अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री का जो सी ऑप्शन है वो सही है कि सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा दोनों के अंदर क्या पाई जाती है, अरीय सममितियां पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन नंबर चार है, फ्लेम सेल्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स का संबंध किससे है। तो पहले तो आपको मैं बता दूं, एक फाइलम हम पढ़ाते हैं जिसका नाम है प्लेटी हेलमेंथीज, ओके, फ्लैटवर्म्स, चपटे कृमि जिस फाइलम में इंक्लूड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिका कहते हैं। तो फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज यानी कि प्लेटी हेलमेंथीज संघ जो होता है उसकी विशेषता है कि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती है।
और याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लेम सेल्स किस संघ की विशेषता है, तो प्लेटीएलमिंथी संघ के जो मेंबर्स होते हैं चपटे कर्मियों की विशेषता है। और फ्लेम सेल्स का या ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है, तो याद रखना फ्लेम सेल्स जो है उनका संबंध किससे होता है, ऑलवेज दे आर रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, इनका संबंध प्योरली किससे है, उत्सर्जन से है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं किसमें शरीर अखंडित होता है, राइट किसमें, ये नीट का क्वेश्चन है कि किसमें शरीर अखंडित होता है, मतलब निम्न में से कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें की बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, राइट। स्कॉर्पियन, देखिए स्कॉर्पियन किससे संबंधित है, आर्थ्रोपोडा से, आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी सेगमेंटेड होती है हम जानते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बॉडी खंडित होती है यानी कि सेगमेंटेड होती है, तो ये तो होगा नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसमें शरीर अखंडित होता है, अब बी वाला ऑप्शन है एस्केरिस, तीसरा वाला जो ऑप्शन है केंचुआ, और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है मच्छर। तो देखो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये तो दोनों जो है वो किससे संबंधित है, आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है, तो उनके अंदर तो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, दैट इज सेगमेंटेड होती है। केंचुआ सी ऑप्शन, केंचुआ तो केंचुए के अंदर ऑफकोर्स एनिलिडा संघ का मेंबर है तो बॉडी 101% कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी। और एस्केरिस जो है वो एस्की हेलमिंथी संघ का सदस्य है, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि एस्की हेलमिंथी के सदस्यों के अंदर बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। तो अपना जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का वो बी है एस्केरिस, गोलकृमि के अंदर बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो था वीडियो वो एनिमल किंगडम के ऊपर पहला वीडियो था, मैं और भी एनिमल किंगडम के ऊपर इसी तरीके के वीडियोस को लेकर आऊंगा। थैंक्स अलॉट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स अलॉट, जल्द मिलेंगे।